भोपाल में केंद्र के कृषि बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और बिल को वापस लेने की मांग की। आपका कहना है कि भाजपा की केंद्र सरकार के ये बिल किसान विरोधी हैं, इनमें किसानों को नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी ने केंद्र के कृषि बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह बिल किसान विरोधी है। केंद्र की मोदी सरकार मंडी व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। आपके प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि इससे किसानों की उपज को सस्ते दामों में खरीदा जाएगा, जिससे किसानों को नुकसान होगा। साथ ही इसके बाद कालाबाजारी का दौर और बढ़ जाएगा, जो अति आवश्यक वस्तुएं हैं उनके दामों में वृद्धि हो जाएगी। उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से छोटे किसानों को नुकसान होगा। सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह कानून वापस नहीं हुआ तो वे किसानों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। ये मामला पूरा भारतीय संसद में जिस तरीके से भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 ऑर्डिनेंस कोरोना काल में महामारी के दौर पर लाए हैं, किसान विरोधी ऑर्डिनेंस, उनका विरोध आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक कर रही है। इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार मंडी व्यवस्था को ख़त्म करने जा रही है, जो किसानों के लिए ज़रूरी है। उससे न केवल बाजार पूरी तरीके से किसानों का जो प्रोडक्शन है, जो अनाज है, उसको सस्ते दाम पर खरीदने के लिए खुल जाएगा। दूसरी तरफ जो इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट था, जो काला बाजारी को रोकता था, उसे भी ख़त्म करने की कोशिश है 1955 में जो एक्ट बना था। तीसरी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से छोटे और मझोले किसानों को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। ये तीनों कानून किसान विरोधी, खेती विरोधी, और चूँकि खेती और किसानी देश का प्रधान उद्योग माना जा रहा है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।